सब्सक्राइब कीजिए टेक ट्यूबर्स यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्वालिटी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू टेक ट्यूबर्स, मैं हूं शाहज़ेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं सोनी वायरलेस माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग और एक इसका फुल रिव्यू। इसका मॉडल नंबर ECMW2BT है। इस वीडियो में इससे जुड़ी हुई, इस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई वो हर बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको जानना जरूरी है जब आप सोनी के इस वायरलेस माइक्रोफोन को परचेज करने के लिए जा रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी डिटेल्ड वन हो सकती है तो इसको एंड तक जरूर से देखिएगा। ये है सोनी का वायरलेस माइक्रोफोन का बॉक्स, तो आइए सबसे पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। ये है हमारा बॉक्स, सोनी का वायरलेस ECMW2BT, ये इसका मॉडल नेम है। और बॉक्स पे आप देख सकते हैं 200 मीटर्स या फिर 600 फीट की रेंज बताई गई है, वो हम आगे देखेंगे वीडियो में। ये मल्टी इंटरफेस शू से कंपैटिबल है, इसके बारे में भी आगे चर्चा होगी। सबसे पहले बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं बॉक्स के कंटेंट क्या क्या हैं। तो सबसे ऊपर आपको मिलता है ये, इसको डेड कैट बोलते हैं। खोल के देख लेते हैं कैसा दिखाई पड़ता है। तो ये एकदम भालू टाइप का, इसे ना आवाज़ अच्छी आती है, विंड को ही एलिमिनेट कर देता है। और आप देखते हैं तो इस तरह से आपको पाउच मिलता है, लिखा है यहाँ पे सोनी, और इसके अंदर ही आपको अपना माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा। खोल लेते हैं इसको, काफ़ी अच्छा बैग है। ये है आपका सोनी का माइक्रोफोन, ठीक है। इस तरह से आता है ये, इसको आगे देखते हैं। तो ये 3.5 mm की जैक की केबल दी गई है, कनेक्टर के तौर पे इस्तेमाल होगी। कुछ बहुत ही ज्यादा पेपर वर्क जो आप कभी नहीं पढ़ते। ये है इसकी चार्जिंग केबल, ये माइक्रो USB है, टाइप सी नहीं है। ये है हमारा माइक्रोफोन, आप देख सकते हैं ये आपका रिसीवर और ट्रांसमीटर के साथ आता है, ऐसे अटैच्ड है। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ये सेपरेट हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि रिसीवर किस तरह का दिया गया है। जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी वो काफ़ी प्रीमियम लगती है, काफ़ी लाइट वेट है ये। यहाँ पे आपको मिलता है मल्टी इंटरफेस शू जो आप अपने कैमरा पे लगाते हैं, इसको ऊपर से इंसर्ट करते हैं। ये है इसका इंटरफेस, यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑफ पे दिया गया है, इसको आप एनालॉग और डिजिटल पे सेट कर सकते हैं। और ये काफ़ी स्मूथ है, ऐसे लेफ्ट जाएंगे तो एनालॉग, देन ये सेंटर में ऑफ होता है। स्लाइड सिस्टम है बेसिकली, इधर से डिजिटल पे आ जाता है। और इधर आपको मिलता है कुछ ऑप्शंस, ये रिसीवर पे जाता है ऐसे लेफ्ट पे, सेंटर पे मिक्स ऑडियो रहती है, और राइट पे आप सिर्फ ट्रांसमीटर से ऑडियो को लेना चाहें तो माइक पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरफ ये दिया गया है, और आप इधर आते हैं तो इस साइड पे आपको ये मिलता है USB पोर्ट, माइक्रो USB पोर्ट है ये, इससे आप चार्जिंग वगैरह कर पाएंगे इसकी, ठीक है। इसके अंदर बैटरी इनबिल्ट है, कोई इसमें सेल वगैरह नहीं लगते हैं। माइक का पोर्ट दिया गया है, 3.5 mm जैक इस तरह से आ जाता है, इसमें आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे अपने कैमरा से अगर MI शू का इंटरफेस कैपेबल नहीं हो रहा है काम करने के लिए। यहाँ पे दो इंडिकेटर्स दिए गए हैं, एक है लिंक का इंडिकेटर और एक है पावर और चार्जिंग का इंडिकेटर, ठीक है। तो जब आप इसके ट्रांसमीटर को और इसको ऑन करेंगे तो ये लिंक की लाइट जलेगी यहाँ से, और जब आप इसको कैमरा पे कनेक्ट कर देंगे या फिर चार्ज पे करेंगे तो ये वाली लाइट ब्लिंक करेगी। ये है इसका ट्रांसमीटर, ठीक है। इस तरह से क्लिपिंग के साथ आता है, आप इसको अपने कॉलर वगैरह पे लगा पाएंगे शर्ट पे। और ऊपर यहाँ पे भी इंडिकेशंस दिए गए हैं, एक है लिंक का इंडिकेटर, एक है पावर और चार्जिंग का इंडिकेटर। यहाँ पे आपको इनपुट मिल जाएगा, एक्सटर्नल लेवलियर माइक आप इसमें कनेक्ट कर पाएंगे, और इसके साइड में आपको ये माइक मिलता है, यहाँ से ऑडियो रिकॉर्ड करता है। और आप साइड में आते हैं ना तो यहाँ पे ये ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है, ये नीचे आप करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, और इसको स्लाइड करके ऊपर कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ऑन होने पे ये ब्लू कलर की लाइट जलती है, बहुत ही लाइट कलर की ये लाइट है, ठीक है। और ये ग्रीन कलर की लाइट जलती है जब ये चार्ज हो चुका होता है या फिर पावर पे कनेक्ट होता है, और ये ऑरेंज कलर की जलती है जब आप इसको चार्ज वगैरह करते हैं। और आप इधर आएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं साउंड को कंट्रोल करने के लिए। सबसे ऊपर आप इसको स्लाइड करते हैं तो ये 0 dB पे ऑडियो को रिकॉर्ड करता है, सेंटर पे करते हैं तो ये 10 dB पे ऑडियो को रिकॉर्ड करता है, और लास्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है 20 dB का, यानी कि 3 ऑडियो कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। और सबसे लास्ट में इसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा USB का पोर्ट, इसे भी आपको सेपरेटली चार्ज करना पड़ेगा। तो आइए इनको अब कनेक्ट करते हैं अपने सोनी अल्फा 6400 में। इसको अपने कैमरा पे लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसका MI शू का जो कनेक्टिंग पॉइंट है आपके कैमरा पे उसमें लगा लेना है। अगर आपके सोनी के अल्फा सीरीज का कैमरा है या किसी और सीरीज का कैमरा है तो आप इसके MI शू के माउंट में लगा पाएंगे,
और हाई एंड सीरीज के वेरिएंट्स के लिए इसमें आपको डिजिटल का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर ये डिजिटल पे काम ना करे और इस तरह का एरर मैसेज आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, उस केस में आपको क्या करना है, आपको इसे एनालॉग मोड पे सेट करना है और केबल के थ्रू इसको कनेक्ट करना है अपने कैमरा से, जैसा कि हमने इस वीडियो में किया है। वेलकम बैक टू टेक ट्यूबर्स, मैं हूँ शाज़ेब अशरफ, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू टेक ट्यूबर्स, मैं हूँ शाज़ेब अशरफ, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आइए शुरू करते हैं। नॉर्मली आप इसको सेट कर सकते हैं 10 dB पे एक अच्छी क्वालिटी की आवाज़ को सुनने के लिए। और अब हम इसका डिफरेंस करते हैं इंडोर कंडीशन में अपने जूम H1N हैंडी रिकॉर्डर के साथ, फिर आपको बताते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों में। सो अभी मैं एक बार इंट्रो रिपीट करता हूँ सोनी वायरलेस पे। वेलकम बैक टू टेक ट्यूबर्स, मैं हूँ शाज़ेब अशरफ, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आइए शुरू करते हैं। सो अभी है ये जूम H1N का हैंडी रिकॉर्डर, तो चलिए इसकी क्वालिटी सुनते हैं कैसा इंट्रो यहाँ पे आ रहा है। वेलकम बैक टू टेक ट्यूबर्स, मैं हूँ शाज़ेब अशरफ, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आइए शुरू करते हैं। तो अभी हम आउटडोर कंडीशंस में सोनी वायरलेस को टेस्ट करने के लिए आए हैं और अभी हमने इसके लेवल को 0 dB पे किया हुआ है और आप नॉइस सुन सकते हैं अभी कितनी आ रही है। डेड कैट लगाया हुआ है सोनी के वायरलेस पे और अभी हम देखेंगे दूर जाके कितना डिस्टेंस ये कवर करता है। तो अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं 0 dB पे, एक मैं इंट्रो आपको देता हूँ। वेलकम बैक टू टेक ट्यूबर्स, मैं हूँ शाज़ेब अशरफ, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमने इसको -10 dB पे सेट कर दिया है और अब मैं यहाँ पे आपको एक इंट्रो सुनाता हूँ अपने चैनल का ही। वेलकम बैक टू टेक ट्यूबर्स, मैं हूँ शाज़ेब अशरफ, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आइए शुरू करते हैं। तो अभी -20 dB पे सेट कर दिया है इसके लेवल को और ये आउटडोर कंडीशन है, आप देख सकते हैं नॉइस कितनी आ रही है। यहाँ पे एक इंट्रो देते हैं आपको। वेलकम बैक टू टेक ट्यूबर्स, मैं हूँ शाज़ेब अशरफ, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आइए शुरू करते हैं। तो अब इसका रेंज टेस्ट करते हैं। -10 dB पे मैंने इसको सेट कर दिया है और 200 meters अप टू उस पर मैंशनड है कितनी दूरी तक ये चलता है, लगभग 600 feet। तो चलिए टेस्ट करते हैं। अब मैं यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि आपको आवाज़ मेरी आ रही है या फिर नहीं। सोनी अल्फ़ा पे लगा हुआ है, अल्फ़ा 6400 पे, एनालॉग मोड पे ये सेट है, वायर्ड कनेक्शन है और अभी हो गया है 50 meters के आसपास हो गया होगा। तो मैं यहाँ से चलता जा रहा हूँ और आप कैमरे में देख पाएंगे कितनी दूरी हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से अगर रिवर्स घूमता हूँ तो आप देखेंगे कि आपको आवाज़ मिल रही है या फिर नहीं। तो अब मैं यहाँ से रिवर्स हो चुका हूँ, काफ़ी कबूतर भी आ रहे हैं यहाँ पे। अब आपको आवाज़ आ रही है या फिर नहीं आप कैमरे पे देख पाएंगे। 100 meters से ज़्यादा का डिस्टेंस कवर हो चुका है और अब मैं यहाँ से उल्टा घूमता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको आवाज़ आ रही है या फिर नहीं। तो अब हम रिवर्स मोड पे चल रहे हैं और आवाज़ कट हो रही है या फिर नहीं, मुझे नहीं पता लग रहा है यहाँ पे वीडियो में। तो अब मैं दोबारा से घूमता हूँ और अब आप देखिएगा कि लगभग ये हो चुका है 200 meters मेरे हिसाब से, 200 meters से भी ज़्यादा का डिस्टेंस हो चुका है। और कैसी क्वालिटी रही है सोनी के वायरलेस माइक्रोफोन W2BT की, ये आप देख सकते हैं और सुन पा रहे होंगे कि क्वालिटी कैसी है। ये एकदम रॉ फुटेज है, इसको मैंने एडिट नहीं किया है इस ऑडियो फाइल को, एकदम रॉ फाइल रहेगी ये और आप यहाँ से सुन सकते हैं कि आवाज़ कैसी आ रही है। तो अब मैं यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ वापस अपने कैमरे की तरफ। चलिए वापस आ चुके हैं अब हम। आ रही थी 200 से ज़्यादा ही है ये भाई। तो ये था इतना इसका डिस्टेंस, अराउंड 200 meters या उससे थोड़ा ज़्यादा भी आप कह सकते हैं। तो पूरा मैंने आपको दिखाया है, बाकी आप कमेंट करिएगा कि आवाज़ कहाँ पे कट हुई थी, कहाँ पे आई थी। इसका एक स्पेशल फीचर ये है सोनी के वायरलेस W2BT का कि इसमें आपको रिसीवर के ऊपर भी एक माइक का ऑप्शन दिया जाता है। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों ही एक माइक की तरह काम करते हैं, तो ये इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा सिस्टम रहता है अगर दो लोग बोलना चाहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इस ट्रांसमीटर के साथ और हमारे कैमरामैन कैमरा के साथ हैं, आप थोड़ा उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और आपको वहाँ से भी जो आवाज़ मिलेगी वो कैसी सुनाई देती है आपको पता चलेगा। तो थोड़ा बताइए आज का मौसम कैसा आपको लग रहा है? अभी जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा, अभी बादल आ गए थे, बादल आ गए और बादल हटने के बाद काफ़ी तेज़ धूप हो गई है। अच्छा, बीच में थोड़ी सी बारिश भी हुई थी। जी जी, तो जैसा कि आपने देखा भी था काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। हाँ। और ऐसे आउटडोर कंडीशन में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी, आज काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, काफ़ी गर्मी भी है। हाँ, बीच में बारिश भी आ रही है, आपको रिकॉर्डिंग करके भी दे रहे हैं। तो बारिश वाला सीन सही था कि ये गर्मी ज़्यादा अच्छी लग रही है आपको? बारिश वाला जो वेदर था काफ़ी अच्छा था, वो सही था, लेकिन हमारे कैमरा के लिए अच्छा नहीं था। कैमरा के लिए नहीं अच्छा था, उसमें दिक्कत होती है।
इसी वीडियो के अंदर हम आपको डिफरेंस भी दिखाने वाले हैं Zoom H1N और सोनी के वायरलेस W2BT के बीच में। तो अभी जो आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं ये आ रही है सोनी के वायरलेस माइक्रोफोन से। एक बार मैं इंट्रो आपको सुनाता हूँ। वेलकम बैक टू टेक ट्यूबर्स, मैं हूँ शाहजेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आइए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू टेक ट्यूबर्स, मैं हूँ शाहजेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आपने वीडियो देखी है तो टेक ट्यूबर्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की क्वालिटी वीडियोस को देखने के लिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो टेक ट्यूबर्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की क्वालिटी वीडियोस को देखने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो सोनी का वायरलेस W2BT लॉन्च किया है सोनी ने, इसमें आपको दो मोड्स देखने को मिलते हैं। एक है एनालॉग मोड और एक है इसका डिजिटल मोड। आपके सोनी के जितनी अल्फ़ा सीरीज़ हाई एंड सीरीज़ हैं, जैसे 7C हो गया, ये सारी जितनी हाई एंड सीरीज़ आती हैं उनमें डिजिटल सपोर्ट दिया गया है। यानी कि वहाँ पे आपको इसकी वायर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो इसका MI शू दिया जाता है आपके कैमरा पे, डायरेक्टली इसका जो रिसीवर है वो वहाँ पे काम करता है और ऑटोमेटिक लेवल्स ऑडियो के देखने को मिलते हैं। जबकि जो एनालॉग मोड है वहाँ पे आपको वायर से इसको कनेक्ट करना पड़ता है, चाहे वो सोनी के अल्फा 6000 सीरीज़ हो या फिर और भी किसी कंपनी का आपके पास DSLR या फिर मिररलेस है। तो अभी हमने अपने सोनी अल्फा 6400 में जो वीडियो रिकॉर्ड करी है इसको वायर के थ्रू एनालॉग मोड पे रिकॉर्ड किया है, क्योंकि डिजिटल मोड को ये सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे अभी तक जितनी भी आवाज़ें थीं वो सोनी के ऊपर रिसीवर लगा हुआ था, उससे कनेक्टेड था, वीडियो के साथ ऑडियो रिकॉर्ड हो रही थी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस सोनी वायरलेस को किसी और रिकॉर्डर के थ्रू ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। वो ऑप्शन इसमें दिया गया है। जस्ट आपको क्या करना है, 3.5 mm जैक जो है उसको आप किसी और ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस में भी लगा करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि Zoom H1N अपने आप में एक रिकॉर्डर भी है, ऑडियो भी रिकॉर्ड करता है, डिवाइस भी है ये पूरा। तो इसमें एक्सटर्नल माइक भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सोनी वायरलेस है इसको अब हम अपने इस Zoom H1N में कनेक्ट करेंगे और वहाँ पे ऑडियो की क्वालिटी में आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो सोनी पे जब कैमरे पे लगा हुआ था ये माइक्रोफोन, वहाँ से और Zoom H1N पे इस सोनी वायरलेस की कैसी क्वालिटी रही। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो सोनी वायरलेस माइक्रोफोन है इसको हमने Zoom H1N से कनेक्ट कर दिया है और ये 3.5 mm जैक के थ्रू कनेक्ट किया है। तो अभी जो आवाज़ आ रही है आपको ये सोनी के वायरलेस माइक्रोफोन से ही आ रही है। तो अब मैं इसको पकड़ा देता हूँ अपने कैमरामैन को। अब इससे ना एक फ़ायदा ये रहता है कि आपको एक सेपरेट ऑडियो फाइल मिल जाती है और आप उसको एडिट करना चाहें तो आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे भी मैं आपको एक इंट्रो सुनाता हूँ, आप उसको कंपेयर करिएगा पिछले वाले पार्ट से कैसी क्वालिटी रही है। वेलकम बैक टू टेक ट्यूबर्स, मैं हूँ शाहजेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आइए शुरू करते हैं। सो ये जो क्वालिटी थी ये थी सोनी वायरलेस माइक्रोफोन की विदाउट ऑन कैमरा, मतलब कैमरा पे इसको हमने नहीं इंस्टॉल किया हुआ था, सेपरेट डिवाइस पे किया हुआ था और इसको मैंने एडिट भी अच्छे से किया है। तो क्वालिटी आप देख सकते हैं कैसी आ रही है। सो अभी तक जितनी भी वीडियो हमने बनाई है वो Zoom H1N हैंडी रिकॉर्डर पे बनाई है, जो आप आवाज़ अभी सुन पा रहे हैं। और बाकी वीडियो में जो मैंने यूज़ किया है वो सोनी वायरलेस किया है पीछे अभी, तो डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा कि Zoom H1N कैसी आवाज़ आपको सुनाता है और ये सोनी वायरलेस से कितनी अलग है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है इस सोनी वायरलेस से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई हैं, सारे लेवल्स आपको दिखाए हैं, इनडोर आउटडोर सभी चीज़ों को कवर अप किया है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। इसका बेस्ट बाय लिंक Amazon का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाइए इसको आप परचेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो टेक ट्यूबर्स को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। हैव अ नाइस डे।